न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत ने अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को वापस लाना शुरू कर दिया है। एयर इंडिया का एक विमान यात्रियों को लेकर काबुल से दिल्ली पहुंच चुका है और विमान में 129 भारतीय यात्री थे जो अफगानिस्तान से अपने देश भारत लौटे हैं। ये विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उतरा है। बता दें अफगानिस्तान की स्थिति को देखते हुए भारत अपने राजनयिकों को भी वहां से वापस लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि काबुल से राजनयिक कर्मियों की निकासी पर निर्णय लेने के लिए भारत अफगानिस्तान में तेजी से बदलती स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। साथ ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की सीमाओं में तालिबान के लड़ाकों के घुसने के बाद अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी देश छोड़ दिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि अशरफ गनी के साथ साथ उनके करीबी भी देश को छोड़कर जा चुके हैं। तो बता दें कल से ही भारतीयों का अफगानिस्तान से आना शुरू हो गया है और ऐसे में भारत ने अपने लोगों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से भारतीयों को वापस बुला लिया गया है। हालांकि एयर इंडिया की एक फ्लाइट भारतीयों को लेकर वापस कल दिल्ली पहुंची, उसमें 129 भारतीय शामिल थे। हालांकि कई लोगों ने वहां से वापस आने के बाद अपने विचार भी साझा किए, अपनी बातें भी सामने रखी, लेकिन अब और लोगों को वापस लाने के लिए भारत विचार विमर्श कर रहा है और बारीकी से इस पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अभी से कमर कस ली है। इसकी शुरुआत आज से केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल नए मंत्री करेंगे। बता दें बीजेपी कोटे से बने ये मंत्री आज से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। यूपी के मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य में कई मंत्री मिलकर करीब 3665 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और इस दौरान ये मंत्री करीब 27 जिलों को कवर करते हुए सरकार की उपलब्धियां लोगों के बीच साझा भी करेंगे। इस यात्रा में बीजेपी के 6 मंत्री और अपना दल की मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगी। बता दें यात्रा के दौरान 150 से ज्यादा कार्यक्रम किए जाएंगे और इस यात्रा के लिए बीजेपी के महामंत्री तरुण चुग को भी प्रभार दिया गया है। उनके साथ अरविंद मेनन, पंकजा मुंडे, सत्या सुनी देवधर जैसे राष्ट्रीय सचिव भी यात्रा में सहयोग करेंगे। साथ ही यात्रा में शामिल होने वाले सभी मंत्री लोगों से मोदी सरकार की उपलब्धियों, खासकर गरीबों के लिए किए गए काम के बारे में जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि मोदी सरकार कैसे देश हित के लिए लगातार एक के बाद एक निर्णायक कदम उठा रही है। साथ ही मंत्रिमंडल में शामिल नए और पदोन्नत किए गए केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान 212 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और इस दौरान करीब 19,500 से ज्यादा किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा भी करेंगे और ये यात्रा 19 राज्यों में होते हुए करीब 265 जिलों से गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान 1667 छोटे बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। भारतीय तीरंदाजों ने पोलैंड में लहराया तिरंगा। बता दें 8 गोल्ड समेत कुल 15 पदक जीते हैं भारतीय ने और ऐसे भी भारतीय तीरंदाजों ने युवा विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है और पोलैंड में आयोजित इस टूर्नामेंट में भारतीय तीरंदाजों का दबदबा रहा और ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों ने रविवार को रिकर्व राउंड में भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक अपने नाम कर लिए हैं। बता दें महिलाओं की अंडर 18 रिकवर स्पर्धा की पिछले साल की विजेता कोमालिका बारिक ने अंडर 21 का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। कोमालिका के अलावा भारत ने अंडर 21 रिकवर टीम इवेंट में भी गोल्ड जीता और इसके साथ ही मिश्रित स्पर्धा का स्वर्ण भी अपने नाम कर लिया है। साथ ही विशाल चांगबई ने अंडर 18 पुरुष रिकवर तो मंजीरी मनोज ने महिलाओं की स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। वहीं भारतीय टीम अंडर 18 मिश्रित और टीम स्पर्धा दोनों में चैंपियन रही और ऐसे में रिकवर कैडेट महिला स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। यानी कि कुल मिलाकर भारत ने 9 से 15 अगस्त तक आयोजित युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 15 मेडल जीते हैं और इनमें से 8 स्वर्ण, 2 रजत और
पांच कांस्य भारत की झोली में आए हैं। यही नहीं, इस बार के चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग राउंड में भी भारतीय खिलाड़ियों ने दो स्पर्धाओं में विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। तो बता दें, भारत ने तीरंदाजों ने पोलैंड में परचम लहराया है और काफी अच्छा प्रदर्शन किया। 8 गोल्ड समेत कुल 15 पदक जीते हैं पोलैंड में। ये पोलैंड में तीरंदाजी की चैंपियनशिप थी जहां पर भारतीय खिलाड़ियों ने अपना अच्छा प्रदर्शन दिया है और ऐसे में 8 गोल्ड मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं, जबकि 15 पदक कुल मिलाकर जीते हैं और जिसमें से 15 में से 8 गोल्ड मेडल भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। अफगानिस्तान में उतल पुतल के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिवसीय यात्रा पर न्यूयॉर्क सिटी रवाना हो रहे हैं। ये कार्यक्रम सोमवार यानी कि आज से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हो रहा है और इसकी सुरक्षा परिषद के इन कार्यक्रमों में आतंकवाद पर चर्चा भी शामिल है जो सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के तहत आयोजित होगी। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने रविवार को घोषणा करते हुए कहा कि एस जयशंकर UNSC में शांति रक्षा पर एक खुली चर्चा की भी अध्यक्षता करेंगे और ऐसे में तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जा जमाने के लिए उनकी ये यात्रा हो रही है और संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान न्यूयॉर्क की यात्रा करेंगे और 18 और 19 अगस्त को 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता भी करेंगे। साथ ही मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि 18 अगस्त को होने वाले पहले कार्यक्रम में रक्षकों की रक्षा, प्रौद्योगिकी और शांति रक्षा पर एक खुली चर्चा होगी, जबकि 19 अगस्त को होने वाले दूसरे कार्यक्रम में आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे पर उच्च स्तरीय चर्चा की जाएगी। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों विषय भारत के लिए प्राथमिकता है और साथ ही इसीलिए चर्चा के लिए विदेश मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी को विधानसभा में पटकनी देने के बाद अब टीएमसी की योजना है कि कैसे भगवा दल को पूरे देश में हराया जाए। साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्ता के लिए अहम भूमिका निभाएंगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का रविवार को संकल्प लिया और ऐसे में बंगाल से सत्तारूढ़ दल टीएमसी ने अपने मुखपत्र जागो बंगाल में एक संपादकीय में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि देश भर में विपक्ष एक मंच पर एक साथ आने और कई वैकल्पिक मोर्चा बनाने की कोशिशें कर रहा है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि सरकार ने नेताओं की पेगागस स्पाईवेयर से जासूसी की है, लेकिन इस मामले में केंद्र ने संसद में कोई चर्चा नहीं की। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि सरकार नेताओं की टेलीफोन पर बातचीत की जासूसी कर रही है और संसद में भी इस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। तो एक बार बता दें, जब से ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है तब से उनकी निगाहें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर हैं। तो ऐसे में रणनीति बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है कि कैसे बीजेपी को 2024 के चुनाव में हराया जाए और इसीलिए ममता बनर्जी ने बीते कुछ दिन पहले दिल्ली का दौरा भी किया था और विपक्ष की एकजुटता को लेकर भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, कई बैठकें की जा रही हैं और साफ तौर पर अब ममता बनर्जी की नजरें साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। तो बता दें, 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी एक अहम भूमिका निभाएंगी और इसीलिए ममता बनर्जी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और लगातार ममता बनर्जी बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आती है और ऐसे में लगातार ममता बनर्जी का कहना है कि पेगागस जासूसी मामले को लेकर भी संसद में किसी भी तरह की सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई। वहीं बता दें, बंगाल पे
टीएमसी ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में एक संपादकीय में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि देश भर में विपक्ष एक मंच पर एक साथ आने से और कई वैकल्पिक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहा है और लगातार विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर भी आ रहा है। चाहे फिर वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो, राहुल गांधी भी आए दिन बैठकें करते नजर आते हैं, विपक्ष को एक साथ अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ने नेताओं की पेगागस स्पाईवेयर से जासूसी की है, लेकिन इस मामले में केंद्र ने संसद में कोई चर्चा नहीं की। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार नेताओं की टेलीफोन पर बातचीत की जासूसी कर रही है और संसद में इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि अगर चीन पर निर्भरता बढ़ती है तो हमें उसके सामने झुकना होगा, इसीलिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। एक देश जितना ही आत्मनिर्भर होगा उतना ही सुरक्षित भी होगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां एक स्कूल में ध्वजारोहण के बाद भागवत ने कहा कि स्वदेशी का मतलब भारत की शर्तों पर कारोबार से है। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेट और तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और हमारे देश में मूल तकनीक नहीं है, यह भारत से आई है। और ऐसे में भागवत ने कहा कि एक समाज के रूप में हम चीन के बारे में कितना भी चिल्लाएं और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें, लेकिन आपके मोबाइल में जो कुछ भी है वो कहां से आता है। चीन पर निर्भरता बढ़ी तो हमें उसके आगे झुकना ही पड़ेगा। सर संघ चालक ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा जरूरी है, प्रौद्योगिकी का अनुकूलन हमारी शर्तों पर ही होना चाहिए, हमें स्वयं निर्भर बनना होगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का मतलब ये नहीं कि हम हर चीज की अनदेखी करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बना रहेगा लेकिन ये हमारी शर्तों पर भी होना चाहिए और इसके लिए हमें आत्मनिर्भर होना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने जापान जा रहे 54 भारतीय पैरा एथलीटों से मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। बता दें जापान में होने वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 24 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार टोक्यो में 9 अलग अलग खेलों में 54 पैरा एथलीट हिस्सा लेने वाले हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पीएमओ द्वारा रविवार को जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में भाग लेने जा रहे एथलीटों से 17 अगस्त की सुबह यानी कि कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे और इसमें कहा गया है कि भारत से पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली सबसे बड़ी टोली है। ऐसे में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। तो बता दें टोक्यो में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है और 5 सितंबर तक 24 अगस्त से 5 सितंबर तक ओलंपिक में ये होगा, आयोजन होगा खेलों का और इसीलिए खिलाड़ियों से बातचीत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी उनसे बातचीत करेंगे कल 11 बजे, साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ाएंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनकी बातें हैं, किस चीज़ के बारे में वो बात करना चाहते हैं। और ऐसे में बता दें पहली बार हो रहा है कि भारतीय एथलीटों का ये इतनी बड़ी टोली पैरा ओलंपिक में जा रही है। भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी हैं जो पैरा ओलंपिक में टोक्यो में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं और जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था, एक बार फिर से पैरा ओलंपिक में भी खिलाड़ियों से इसी तरह के शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें हर कोई कर रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर पर भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को प्रवासी भारतीयों ने तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराते समय सैकड़ों प्रवासी भारतीयों ने एक साथ हिस्सा लिया और साथ ही राष्ट्रगान गाने के बाद तिरंगे को सलाम भी किया। तो बता दें न्यूयॉर्क में भी भारत के रहने वाले लोगों ने स्वतंत्रता दिवस कल मनाया। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं न्यूयॉर्क सिटी में टाइम्स स्क्वायर पर किस तरह से
भारतीय झंडा फहरा और भारत के रहने वाले लोगों ने वहां पर झंडा फहराया और सभी ने काफी बड़ी संख्या में भारत के लोगों ने वहां पर हिस्सा लिया और साथ ही राष्ट्रगान भी सभी ने मिलकर गाया। तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में भारतीय मूल के लोग वहां पर मौजूद हैं और हर किसी ने बड़े ही मजे के साथ और बड़े ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साथ ही झंडा भी फहराया गया और वहां पर राष्ट्रगान भी गाया गया। हालांकि संख्या लोगों की काफी नजर आ रही है, काफी ज्यादा संख्या में भारत के जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन सभी ने वहां पर हिस्सा लिया। तो बता दें न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर पर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कल जहां एक तरफ भारत में कल स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, वहीं अमेरिका से भी ये तस्वीर सामने आई है जहां पर न्यूयॉर्क सिटी में टाइम्स स्क्वायर पर भारत मूल के रहने वाले लोगों ने भी स्वतंत्रता दिवस मनाया और तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं भारत के, और ऐसे में झंडा फहराया गया और हर किसी ने राष्ट्रगान गाया, यानी कि देशभक्ति हर किसी में यहां पर नजर आ रही है चाहे कोई अपने देश में रहे या ना रहे। और ऐसे में ये तस्वीर यही दिखाती है कि अपने देश के प्रति लोगों के मन में कितना प्रेम है कि चाहे वो अपने देश में हो या ना हो, लेकिन स्वतंत्रता दिवस उन्होंने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया और टाइम्स स्क्वायर एक बड़ी ही अच्छी और नाम वाली जगह है जहां पर ये भारतीय लोगों ने झंडा फहराया है। कोरोना से जूझ रहे केरल में वायरस की समीक्षा करने के लिए सोमवार को यानी कि आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राज्य का दौरा करेंगे। राज्य में कोरोना वायरस का बढ़ता प्रकोप देख मंडाविया ने अपनी केरल यात्रा का निर्णय लिया है। इससे पहले बीमारी के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से लगभग 2 सप्ताह पहले ही बातचीत की थी और महामारी के प्रबंधन में राज्य सरकार के सहयोग की मांग करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी विजयन को भी पत्र लिखकर वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए और ज्यादा सक्रिय उपाय करने का अनुरोध किया था। ऐसे में केरल में अब तक लगभग 30 लाख मामले दर्ज किए गए हैं और कोविड-19 की वजह से 18,601 लोगों की जान भी चली गई है, जबकि रविवार को राज्य में 18,582 नए मामले सामने आए, वहीं 102 मरीजों ने कोविड-19 के कारण दम तोड़ दिया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक रविवार को लगभग 21,000 रोगियों को छुट्टी भी दे दी गई है, जिससे स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 3 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा अभी भी सक्रिय मामले हैं। वहीं रविवार को कोविड-19 के लिए जांच के लिए 1,22,970 नमूनों का परीक्षण किया गया था और ऐसे में परीक्षण सकारात्मक था और दर 15.11% रही। और साथ ही रविवार की संक्रमण संख्या के मुताबिक 4 जिलों यानी कि मलप्पुरम, त्रिशूर, कोझिकोड और एर्नाकुलम में 2,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं केरल के कई जिलों में बता दें अभी भी 4,99,000 से ज्यादा मरीज निगरानी में हैं, जिनमें 27,636 अस्पतालों में हैं और बाकी के लोग मरीज या तो घर पर हैं या फिर क्वारंटीन सेंटर में हैं। तो लगातार केरल में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में हर कोई चिंता में है, स्वास्थ्य विभाग भी चिंता में है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज केरल के दौरे पर पहुंच रहे हैं। हालांकि उससे कुछ दिन पहले ही 2 सप्ताह पहले ही केरल के मुख्यमंत्री से उन्होंने फोन पर भी बातचीत की थी, वहां की स्थिति का जायजा उन्होंने लिया था बातचीत करके, और ऐसे में अब वो खुद समीक्षा करने के लिए अब केरल का दौरा कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर काफी सतर्क दिख रहे हैं लोग और ऐसे में कोरोना के खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार ने भी करीब 8 शहरों में कोरोना लॉकडाउन को 28 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है और इसी को लेकर अधिकारियों ने ये जानकारी दी है और कहा है कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जूनागढ़, भावनगर, जामनगर और गांधीनगर में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। और साथ ही बता दें जानकारी देते हुए कहा गया है कि जो पाबंदियां 29 जुलाई को लागू हुई थी वही पाबंदियां 28 अगस्त तक लागू रहेंगी। ऐसे में उस आदेश में सार्वजनिक
स्थानों पर गणेश उत्सव की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसमें मूर्ति की ऊंचाई अधिकतम 9 फुट होनी चाहिए। और साथ ही गणेश उत्सव के मुद्दे को लेकर गणेश उत्सव समिति के सदस्य गृह राज्य मंत्री से भी बातचीत कर चुके हैं। और देश में कोरोना के मामले में जहां कमी देखी जा रही है, वहीं रविवार को मृतकों की संख्या ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 36,083 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं बता दें 37,927 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट गए हैं। ऐसे में देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 385,336 हो गई है। वहीं देश में कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा 4,31,000 से ज्यादा है। और ऐसे में अब तक कुल स्वस्थ हो चुके मरीजों की संख्या भी 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का ग्रैंड फिनाले संपन्न हो गया है। 15 अगस्त के दिन इंडियन आइडल को अपना 12वां विनर मिल गया। जी हां, पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विनर बन गए हैं। और ऐसे में फिनाले में पवनदीप राजन की कड़ी टक्कर अभिनेता कांजीलाल, मोहम्मद दानिश, सन्मुख प्रिया, निहाल तारो और साइली कांबले से थी। ऐसे में जज विशाल ने शो के फिनाले में आए और उन्होंने कहा कि जब मैंने पहली बार आपको सुना था तो तभी लग गया था कि ये एक स्टार परफॉर्मर है। बता दें कि शो में सन्मुख प्रिया छठे नंबर पर रही हैं और उसके बाद पांचवें नंबर पर निहाल टोरो रहे हैं, मोहम्मद दानिश चौथे नंबर पर और साइली कांबले सेकेंड नंबर पर बनी हैं। और ऐसे में अनिता जीत से सिर्फ एक कदम दूर यानी कि फर्स्ट रनर अप बन पाई हैं। और दूसरी ओर पवनदीप की जीत पर उनकी ऑडियंस में बैठी उनकी माँ काफी भावुक हो गई। बता दें कि पवनदीप को अब इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी के अलावा गिफ्ट में स्विफ्ट कार और 25 लाख रुपए के इनाम के तौर पर भी दिए गए हैं। हालांकि ग्रैंड फिनाले एपिसोड में अनु मलिक, सोनू कक्कड़ और हिमेश रेशमिया, उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू, विशाल ददलानी, मीका सिंह, भारती सिंह, हर्ष लंबाचिया, जय भानुशाली, द ग्रेट खली, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी और जावेद अली भी इनका हौसला बढ़ाने के लिए शो में पहुंचे थे। लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारत और इंग्लैंड के बीच बेहद ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 181 रन बना दिए। भारत के पास हालांकि अब कुल 154 रन की बढ़त है। और ऐसे में चौथे दिन का खेल खत्म होने पर ऋषभ पंत 14 और ईशांत शर्मा 4 रनों से नाबाद लौटे। भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड ने पहली पारी में 394 रन बनाकर लीड हासिल की थी, क्योंकि भारत दूसरी पारी में 6 विकेट गंवा चुका था। और ऐसे में पंत को छोड़कर बाकी किसी की बल्लेबाजी पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था, इसीलिए फिलहाल इंग्लैंड का पहला मैच में भारी भी दिखाई दे रहा है। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत बेहद ही खराब रही और पहले सेशन में ही लोकेश राहुल, रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली पवेलियन वापस लौट गए। इसके बाद पुजारा ने रहाणे के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और रहाणे ने 61 रन की पारी खेली, जबकि पुजारा ने 45 रन ही बनाए। सोलह अगस्त यानी कि आज सावन का आखिरी सोमवार है। जी हाँ, सावन के सोमवार का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है और ऐसे में 22 अगस्त को सावन का महीना समाप्त हो जाएगा। सावन सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शंकर धरती में ही रहते हैं। और पंचांग के अनुसार सावन का महीना इस साल 22 अगस्त को समाप्त हो रहा है और सावन का आखिरी सोमवार
16 अगस्त यानी कि आज है और इस दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है और इसी दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा, साथ ही अनुराधा नक्षत्र भी लग रहा है और ऐसे में सावन के आखिरी सोमवार पर व्रत और पूजन करने से भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं और इस दिन राहुकाल सुबह 7:29 से लेकर 9:07 तक रहेगा, यानी कि इस काल में पूजन या कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल लेता ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।